होता है उसकी बढ़ोतरी होती ही जाती है। ऐसी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा, फिर क्या लिखा है, तापत्रय विनाशाय। ताप कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार, दैहिक, देविक, भौतिक। तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, उन तीनों प्रकार के तापों को हनन करने की जिसमें शक्ति है, ऐसी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हमारे कन्हैया तुलसी बाबा भी लिखते हैं, दैहिक, देविक, भौतिक तापा, दैहिक, देविक, भौतिक तापा, जिसमें शक्ति है, ऐसी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम, मतलब हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं प्रभु के चरणों में। आज ये श्रीमद् भागवत कथा बड़ा ही दिव्य पुराण है। एक कल्प की बात है, ये श्रीमद् भागवत कथा जहां दिव्य तीर्थ, ये कहां हो रही है श्रीमद् भागवत कथा, आरंभ कहां से हुई, कौन इनके वक्ता है, कौन इनके श्रोता है, नैमिषारण्य की पवित्र भूमि जहां विराजित है 88,000 ऋषि, जिनकी आयु हजारों वर्ष आयु हो चुकी है, उनकी आयु में ना जाने कितनी बार इंद्र बदल चुके हैं, लेकिन वहां समस्त ऋषि गण केवल एक ही विश्वास के साथ बैठे हैं, नैमिष